ध्रुव का शो शुरू होने वाला है। पूनम जी जल्दी आइए, जल्दी आ, जल्दी। हे भगवान, पता नहीं सब कुछ कैसे संभाला होगा। सब ठीक तरह से हुआ होगा ना? पूनम जी टेंशन क्यों लेती हैं? टेंशन आप लेती हो, बीपी हमारा बढ़ जाता है। पापा, दी का शो स्टार्ट हो गया। हाँ। स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में, आपकी आवाज ध्रुव के साथ। आज हमारे साथ है फिल्मी जगत के जाने माने गायक मिस्टर अंशुमन रॉय। ये अपनी मीठी आवाज से बहुत से लोगों के दिल जीत चुके हैं, तो कभी कभी उसी मीठी आवाज से कुछ दिल तोड़ भी देते हैं। इनके अवार्ड्स की तरह इनके साथ बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज भी जुड़ी, तो आइए जानते हैं इनसे। बताइए मिस्टर अंशुमन रॉय। अरे पूनम जी, आज हमारी थपकी ने कितना बड़ा काम किया है। मुंह कब मीठा करवाएंगे आप? हाँ, ला रही हूँ रबड़ी। आदिति चुप, चलो चुप। पूनम, हाँ, रबड़ी दो, रबड़ी दो, जल्दी जल्दी रबड़ी दो। ला रही हूँ, ला रही हूँ। ये लो रबड़ी, भर के खा लो आराम से। वाह, थपकी होगी। थपकी कैसे हो सकती है? मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ। हेलो जी। अरे आई आई आई, नमस्ते जी। नमस्ते यार, मैं तो आप लोगों का ना मुंह मीठा कराने आई थी, पर यहाँ तो पहले से ही मिठाई शिठाई उड़ाई जा रही है। लगता है कोई यहाँ भी ब्रेकिंग वाली न्यूज है। ब्रेकिंग वाली नहीं, सेलिब्रेशन वाली न्यूज है। हाँ, हमारी थपकी ने बहुत बड़ा काम किया है। उसने ध्रुव का शो। अच्छा, ध्रुव का शो थपकी ने किया? अरे वाह जी वाह। बहन जी, किया नहीं है, करवाया है उसने। उसने ध्रुव के घर से। अच्छा खैर, ये सब जाने दीजिए। आप तो हमें ये बताइए कि आप अपनी मिठाई के साथ कौन सी गुड न्यूज लेकर आई हैं। भाई साहब, मेरे यहाँ तो हर न्यूज अब ना गुड न्यूज ही होने वाली है। मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। बहन जी, तब तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। सचमुच बड़ी खुशी की बात है ये। आप तो आप और भी खुश हो जाओ, क्योंकि लड़का आप ही की कंट्री का है, आगरा। वाना सेम कंट्री। आपका मतलब सिटी? अरे कंट्री हो या सिटी, क्या फर्क पड़ता है, है तो इंडिया में ही ना। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, बड़ा हैंडसम है वो। हाय, देखो जी कितना हैंडसम है। कुछ नहीं सुनूंगा। अरे भाड़ में गई है शादी। अरे जब तक इसका बोलना खत्म होगा ना, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। नहीं करनी है मुझे ऐसे रुक रुक के बोलने वाली के साथ शादी। दिखाओ। क्या हुआ बहन जी? कुछ नहीं, वो माँ बीना, अब कुछ नहीं। कुछ ऐसी थोड़ी मिलता है इतना अच्छा लड़का किसी को। आप किस्मत से मिलता है, और मेरी बेटी है टू मच भागो वाली। हाँ जी हेलो। हाँ मैं आ रही हूँ। आप बहन जी, मुझे ना जाना पड़ेगा क्योंकि मेहमान आने शुरू हो गए हैं, पर आप लोग आइएगा जरूर। शादी में ही नहीं, सारे फंक्शन अटेंड करने होंगे आपको। हाँ मैं जाती हूँ। नमस्ते।
देखिए अब यहाँ आप सब कुछ पहले की तरह लगा दीजिए। हाँ सब हो जाएगा। अरे अंकल मैं कुछ मदद करूँ आपकी? अरे नहीं नहीं बिटिया, हम है ना, हम सब कर लेंगे। थैंक यू। सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी। थैंक यू सर। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए था कि आज तुम्हारी वजह से मैं अपना शो कर पाया। आज मैं अपने ही शो पे किसी और को देखता और सालों का यह सिलसिला टूट जाता। बदले में अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, प्लीज मुझे बताओ। सर ऑटोग्राफ मेरे भाई शुभ के लिए, बहुत बड़ा फैन है आपका। फैन तो वैसे मैं भी हूं पर मुझसे भी ज्यादा वो है। सर आप अपना ख्याल रखिएगा। सर ये फाइल्स। थैंक यू सर। आप आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर। साक्षी ने तुम्हें क्यों भेज दिया? उसे मैंने कहा था इसे भेजने के लिए। कल तुमने इतना बड़ा काम किया, मैं तुम्हें धन्यवाद तक नहीं कह पाया बेटा। ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। चीनी आंटी मैं इसे नहीं ले सकती। सबके बेटा स्वाभिमानी होना बहुत अच्छी बात है, पर बड़ों के आशीर्वाद के लिए ना नहीं कहते। और माँ के आशीर्वाद को तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे डेस्क पे जो इतने सारे भगवान जी है ना, उनके साथ इन्हें भी रख देना। ईश्वर में इतनी आस्था है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लो संभालो। थैंक यू आंटी। देखा बड़की, हम लोग दिन रात काम कर करके अपनी कमर तोड़ते रहते हैं। अरे बड़ी सासू माँ उनको हमसे हमारा स्मार्ट वाला फोन छीन कर इस चढ़ा हुआ काला सफेद फोन दे दिया हमका। और इस अटकने वाली लड़की को मिल रहा है ये चांदी की मूर्ति, जबकि बड़ी सासू माँ को तो ये अटकने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। थपकी, मुझे फाइल्स पढ़ने में टाइम लगेगा, तुम बैठ जाओ। हाँ बेटा बैठ जाओ, अपना ही घर समझो। तुम लोग काम करो, मैं आती हूँ। मुझे रुक रुक के चले वाली चीजें पसंद नहीं आती हैं। एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? सॉरी बड़ी माँ, मैं अभी आपके लिए नई सीढ़ी लेकर आता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बार अच्छे से चेक करके लाऊंगा, वो बिल्कुल भी नहीं अटकेगी। इस बार चेक करके नहीं लाए थे क्या? वो चेक करके। बकवास बंद करो, नहीं चाहिए मुझे सीढ़ी। मेरे फोन में ये भजन जो है ना वो क्या करते हो तुम लोग? डाउनलोड डाउनलोड। हाँ करो ना इसमें। जी बड़ी माँ अभी करके लाता हूँ।
सर आप मुझसे बोल देते, आप बैठो। और जो कल तुमने मेरे लिए किया उसके लिए भी थैंक यू। और जो उस दिन तुमने घनश्याम लाल के गुंडों से मुझे बचाया उसके लिए भी थैंक यू। कुछ गलत कह दिया क्या? गलत तो मैंने किया है सर, मैं रुक रुक के बोलने की वजह से उस दिन आपको आवाज नहीं दे पाई और आपका ये एक्सीडेंट। सर आपको इतनी चोट लगी। तुम्हारे इस रुक रुक के बोलने की वजह से तुम तो नहीं रुकी ना, बिना एक सेकंड रुके तुमने आके मेरी जान बचा ली, फिर क्यों अपने आप को दोष दे रही? पानी पी लो। पानी नहीं सर, खाना। जब मैं भूखी होती हूँ तो मुझे इसकी आती है। सर आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। सर आप इतना कम क्यों हंसते हो? ये तो मैं भूख से हिचकी आ रही है ना, कुछ खा लो। सर वो मैं आज जल्दी जल्दी में घर से टिफिन लाना भूल गई। ये भी तो घर है, मैं कुछ मंगवाता हूँ। सर आप काम कीजिए, मैं जाकर ले लेती हूँ। ठीक है, किचन में माँ या कोई भी हो उन्हें बोल देना। यक, ये बड़ी सासू माँ हमें हमेशा ऐसा काम करने क्यों क्यों बोलती है? देखना चुटकी, मेरे तो हाथ ही कितने खराब हो गए। ये बड़ी सासू माँ ना जब देखो तब सुबह शाम हमसे काम कराती रहती है। अब तोहफा देती है रुक रुक के बोलने वाली लड़की को, अब तोहफे में देती है चांदी के भगवान जी और हमका हेंगा। जी मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? वो क्या है ना, मुझे भूख लगी है। तो हम क्या करें, हमें सर्वेंट समझ के रखा है क्या? अरे बड़की ऐसे कैसे बात कर रही हो? वो बड़ी सासू माँ कहती है ना कि मेहमान भगवान समान होता है और थपकी थपकी तो हमारी मेहमान है ना।